हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना फूड टेस्ट में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी के कोफ्ते बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लौकी ली है एक और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। पहले हम लौकी का छिलका उतार लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो छिलका उतारने वाले चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लौकी का छिलका उतार लिया है और अब हम एक कद्दूकस लेंगे और इससे लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। हमें मोटी वाली साइड का ही यूज़ करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सभी लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और अब मैं एक बाउल लूँगी और लौकी को दोनों हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे और इसे बाउल में डाल देंगे। इसी तरीके से बाकी बचे हुए लौकी का भी हम पानी निकाल लेंगे। इससे कोफ्तों का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने सभी लौकी का पानी अच्छे से निकाल लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप बेसन। साथ में मैं ऐड करूंगी नमक स्वाद अनुसार, आधी चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4, लाल मिर्च पाउडर 1/4 और साथ में डालूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कोफ्ते का बैटर बनाने के लिए हमें इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि लौकी में ऑलरेडी ही पानी बहुत होता है। ये देखिए, हमारा जो बैटर है बनके तैयार है। गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे और गैस कर देंगे हम ऑन और इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो इसमें हम डाल देंगे कोफ्ते का बैटर थोड़ा थोड़ा करके। आप चाहे तो इसे हाथ से भी डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो इसे चम्मच से दूसरी तरफ पलट लूँगी। हमें कोफ्ते मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं ताकि कोफ्ते अंदर तक अच्छे से पक जाए। कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने सभी को प्लेट में निकाल लिया है और अब बाकी का बचा हुआ बैटर भी मैं कढ़ाई में डाल दूंगी एक एक करके और ये भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से और इन्हें भी हम फ्राई होने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी तेल में मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा और इसे 10 सेकंड के लिए हम भून लेंगे और इसमें मैंने डाला है 2 मीडियम साइज प्याज जो कि मैंने चॉप किए हुए हैं और इसे भी मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी चॉप की हुई हरी मिर्च और इसे भी प्याज के साथ हम भून लेंगे। प्याज को थोड़ी देर और भूनने के बाद मैं अब इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही प्याज को हमें भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें 2 चम्मच पानी डालूंगी ताकि जो प्याज है वो अच्छे से भुन सके। जितना हम प्याज को भुनेंगे उतना ही हमारी जो ग्रेवी का कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए प्याज के साथ पका लेंगे और थोड़ा सा ऐड करूँगी पानी ताकि जो मसाला है वो जले ना। प्याज और मसाला अच्छे से भुन चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज टमाटर की प्योरी और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो। साथ में मैं डालूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। साथ में ऐड करूंगी आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। नमक स्वाद अनुसार डालें क्योंकि कोफ्ते के पकौड़े बनाते समय भी हमने इसमें नमक डाला था। ये देखिए, हमारा जो मसाला है भून चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी गाढ़ी आपको ग्रेवी चाहिए और इसे एक उबाल आने तक मैं ऐसे ही इसे पका लूँगी। एक उबाल आ चुका है और फिर से इसे मैं करछी से चला लूँगी। करछी से चलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी फ्राई किए हुए कोफ्ते। सभी फ्राई किए हुए कोफ्तों को हम ग्रेवी में डाल देंगे और इसे हल्का सा चला लेंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे।
और अब हम अपने कोफ्तों को ग्रेवी के साथ एक मिनट के लिए पका लेंगे। एक मिनट पकाने के बाद इसे हल्का सा करछी से चला लेंगे। हमारे कोफ्ते की सब्जी बनके तैयार है। गैस कर देंगे ऑफ और अब हम इसे निकालेंगे एक बाउल में। जो लौकी ना खाता हो उसके लिए आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, जो कि दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी होगी बहुत ही स्वादिष्ट। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।